एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास फिफ्थ में जो आपकी वर्कबुक प्रोवाइड की गई है लर्निंग आउटकम आधारित मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सब्जेक्ट इंग्लिश की, उसमें आपको जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको हम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से वो एक्टिविटीज़ समझ में आ जाए। पहले की एक्टिविटीज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, उसी प्रकार मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम चिन्हों के बारे में, जो विराम चिन्ह होते हैं इसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कामा कहाँ लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ लगता है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, तो उसे हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी नंबर वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी वन में आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा वो उसने मतलब उस पर टिक लगाना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, अब इसमें फुल स्टॉप दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिया है। व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या है, मतलब आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा ना, तो क्वेश्चन वाले में टिक कर दो। फिर कीप क्वाइट यानी शांत रहो, कीप क्वाइट, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें विस्मयादि मतलब कुछ विस्मय हो रहा है क्या, कुछ आश्चर्यजनक बात बोली गई कि नहीं, कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, ये हमने टिक कर दिए। वॉक इन अ लाइन यानी लाइन से चलो, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी नहीं आएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह वहाँ लगता है जहाँ पे कुछ आश्चर्य की बात है, जैसे हर आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, मतलब मुझे पहला प्राइज प्राप्त हुआ, तो हर के बाद यहाँ पे विस्मयादिबोधक या एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, तो इसको हमने यहाँ टिक कर दिए। डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद है, फिर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसी प्रकार जो अगला है, ओ आई गॉट माई बुक्स, ओ आई फॉरगॉट माई बुक्स, फॉरगॉट यानी भूल जाना, मैं अपनी पुस्तकें भूल गया, तो ओ के बाद क्या जाएगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन, ठीक है। स्टूडेंट्स, बढ़े आगे की तरफ। अब एक्टिविटी नंबर टू में हमें क्या है, मैच द कॉलम है, इसमें हमें एक सेंटेंस दिया गया है उनको मिलाना, जैसे लेट मी गो, क्या मैं चलूँ, ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस है, तो देखो लेट मी गो के बाद क्या जाएगा, क्या जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, क्या जाएगा, फुल स्टॉप, तो ये हमने इसको क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। द बियर लव्स टू ईट हनी, बियर को हनी खाना पसंद है ना, यानी भालू को शहद खाना पसंद है, तो ये इसके बाद फुल स्टॉप। ब्रेवो वी हैव डन इट, मतलब हमने काम कर लिया, ब्रेवो, ठीक है, इसके ब्रेवो के बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। कैन यू स्विम, तैरना, क्या तुम तैर सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बन जाएगा। बढ़े आगे की तरफ। एक्टिविटी थर्ड में हमें क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन और जो पंचुएशन मार्क हैं उन्हें सर्च करना है कि फुल स्टॉप कहाँ लगा है, कामा कहाँ लगा है, कौन कौन से पंचुएशन मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। वन डे आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, मतलब एक दिन मैं अपने स्कूल जा रहा था, उसके बाद देखो फुल स्टॉप लगाए थे हमने, यहाँ सर्किल लगा दिए। सडनली आई हैपन टू मीट माई अंकल ऑन द वे, एकाएक मुझे मेरे चाचा मिल गए, कहाँ पर, रास्ते में, फिर फुल स्टॉप लगाए थे हमने, गोला कर दिए सर्किल, देखो ये। माई अंकल आस्क्ड मी, फिर कॉमा लगा है, ये इसको हमने सर्किल कर दी। वेयर आर यू गोइंग, मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क में हमने सर्किल कर दिए, कर दिए। आई आंसर्ड हिज क्वेश्चन, मैंने आंसर किया, फिर फुल स्टॉप आ गया, तो इसमें हमने सर्किल कर दिए। ही शोड मी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाई, फिर फुल स्टॉप आ गया। हैविंग सीन द पेंटिंग, फिर कॉमा आ गया, तो देखो हमने यहाँ पे सर्किल कर दिया। आई बिकम हैप्पी यानी मैं खुश हो गया, एंड सेट, देखो फिर ये कॉमा लगाया था हमने यहाँ पे कर दी। वाओ, फिर देखो ये एक्सक्लेमेटरी साइन, तो यहाँ पे भी सर्किल आएगा। इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने बोला ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। तो यहाँ पे हमें विराम चिन्हों का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया था, उनको ध्यान में रखते हुए सर्किल करना था। आपको सर्किल दिख रहा है ना, यहाँ पे भी सर्किल आएगा, ठीक है। बढ़े आगे, हम बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमें सेंटेंस दिया गया है, उनको सेंटेंस को लिखने के बाद जहाँ कहीं भी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है वो लगाना। जैसे देखो, द मंकी इज़ क्लिमिंग ऑन अ ट्री, ये पूरा सेंटेंस है, क्लिमिंग ऑन अ ट्री के बाद क्या जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, क्लिमिंग ऑन अ ट्री के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, क्या जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ, देखो ये फुल स्टॉप आ गया। फिर गर्ल्स लव प्लेइंग विद डॉल्स, लड़कियों को गुड्डा के साथ, गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलना अच्छा लगता है ना, तो डॉल के बाद क्या जाएगा, फुल स्टॉप। फिर हु ब्रोक द चेयर, चेयर किसने ब्रोक किया, क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना, चेयर कुर्सी किसने तोड़ा। फिर फोर्थ है, रवि सेड अर्थ इज़ राउंड, रवि बोलता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो सेंटेंस हो गया, सेट के बाद कॉमा आया, ये आया कॉमा, अर्थ इज़ राउंड, राउंड एंड गोल है, उसके बाद फुल स्टॉप आया, आ गया।
प्लीज कॉल सुधा, प्लीज के बाद देखो ये कॉमा आया, सुधा के बाद देखो ये फुल स्टॉप आया। ओ आई हर्ट माई लेग, मेरा पैर को दर्द हो गया। ओ के बाद देखो विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह आ गया एक्सक्लेमेटरी, और लेग के बाद फुल स्टॉप आ गया। आया समझ, इस प्रकार से इसे करना है। बढ़े अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी फिफ्थ में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को फिर से लिखते हुए हमें फुल स्टॉप और कॉमा का उपयोग करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, देखो माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स फॉर माई बर्थडे। ठीक, देखो बर्थडे के बाद फुल स्टॉप आ गया, यानी मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे के लिए मिठाइयाँ तैयार की। माई ग्रैंड फादर यानी मेरे दादा, फिर कॉमा डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स टू ऑल द गेस्ट, मतलब मेरे दादा ने जो मिठाइयाँ हैं उसे पूरे गेस्टों को क्या किया, बांटा, और फिर फुल स्टॉप आ गया। माई मदर सर्व डिनर यानी मेरी मम्मी ने डिनर को सर्व किया, फुल स्टॉप। आफ्टर डिनर फिर कॉमा लग गया। वी प्लेड सम गेम्स, मतलब डिनर के बाद हमने कुछ खेल खेले, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। बढ़े आगे की तरफ। एवरी वन इन्जॉयड अ लॉट, और सभी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, फिर फुल स्टॉप लग गया। डिड यू एन्जॉय योर बर्थडे, क्या तुमने अपना बर्थडे इन्जॉय किया, क्या तुमने अपना जन्मदिन को किसी के साथ मनाया, क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एक्टिविटी में हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जाना कि फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है और आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और लाइक करना ना मिलना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके।